स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ समीर गोयल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, काफ़ी बार आपने कर ली पॉइंट वाला। ये नया पॉइंट आ रहा है, पेड रेंट इन एडवांस। खाली पेड रेंट होता है फिर तो आपको पता ही था, लेकिन पेड रेंट इन क्या है, एडवांस है। इस पॉइंट को बताऊंगा कैसे करना है। परचेज गुड्स फॉर कैश ऑन क्रेडिट, ये भी आपने किया हुआ पॉइंट पहले। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, नहीं 40,000 कॉस्टिंग थी, सोल्ड कितने में किया है 80,000 फॉर कैश। पेड सैलरी इन कैश, ये भी पॉइंट आपने किया है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट थोड़ा अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा आपको। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 30,000। ये 6 इक्वेशन तो है ही है, और 3-4 इक्वेशन मैंने और इसमें डाली है, नहीं वो भी इसी क्वेश्चन में समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को, तो मैंने इक्वेशन यहाँ लिख ली है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बताइए एक बार कैसे करोगे। असेट्स में किसका अकाउंट खुलेगा, कैश का, और 1 लाख उसके अंदर डाल देंगे। इधर से लायबिलिटी 0, और कैपिटल में भी कितना डालेंगे, 1 लाख डाल देंगे। ये तो पॉइंट आपने काफ़ी बार कर लिया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या होता है, कैश प्लस और कैपिटल प्लस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन 1 लाख 0 प्लस 1 लाख टोटल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है कि पेड रेंट इन एडवांस। देखिए अगर होता खाली पेड रेंट तो हम क्या करते, कैश में से माइनस करते, उधर से कैपिटल में से माइनस करते, क्यों लॉस होता। देखिए हमने रेंट पेड किया एडवांस में। अब जैसे कहीं हमने कोई मान लो कोई कमरा किराए पे ले रखा था, रेंट पे ले रखा था, तो उसका हमने रेंट ओनर ने क्या किया, उसके कमरे का ओनर था ना, उसने हमसे रेंट एडवांस में ले लिया, यानी अभी ड्यू नहीं हुआ था, पहले ही ले लिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। कोई भी एक्सपेंसेस अगर एडवांस में पे करें तो उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, यानी अभी एक्सपेंसेस हुआ नहीं था, पहले ही आपने एडवांस में दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो इसका तुमने क्या करना है, जैसे पेड रेंट कैश तो जा रहा है, कैश में से आप 3,000 माइनस करेंगे, क्लियर, कैश तो जा रहा है, लेकिन लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप उस कमरे का पूरी तरह यूज़ नहीं कर लेते, यानी उस कमरे में आप पूरी तरह बैठ नहीं जाते, यानी पूरा जब तक रेंट उसका ड्यू नहीं हो जाता। लेकिन अब आपने एडवांस दिया तो इतना असेट्स में अकाउंट खुलेगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम का अकाउंट खोलते हैं ना, प्रीपेड रेंट लिख दीजिए, एक्सपेंसिस लिख दीजिए, ठीक है, और उसमें आप प्लस कर देंगे 3,000। इधर कोई चेंज नहीं होगा, इधर आपका जीरो रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसको बोलते हैं पेड रेंट एडवांस, क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट, यानी एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसिस नो ड्यू बट पेड इन एडवांस, हमने पहले ड्यू नहीं हुए थे, पहले ही हमने दे दिए, तो तब तक हम एक्सपेंसिस नहीं मान लेते जब तक वो ड्यू नहीं हो जाते। तो जो एडवांस रहेगा कैश तो जाएगा, कैश में से आप माइनस करना, उधर से असेट्स में किसका अकाउंट खोलोगे, प्रीपेड रेंट का, उसमें आप प्लस कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आपको। इधर कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो प्लस जीरो तो 97,000 प्लस 3,000, इधर आएगा 0 प्लस 1 लाख, यानी सेट्स इक्वल टू क्या हो रहा है, लाइबिलिटी प्लस क्या हो रहा है, कैपिटल देखो ना 1 लाख आ रहा है, देखो इधर भी कितना आ रहा है, 1 लाख आपका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ कितना 20,000। तो इसको ना आप अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठा कंबाइन भी कर सकते हो, चलो मैं अलग अलग सोचता हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, बताओ क्या करोगे, कैश जा रहा है, कैश में से माइनस, और इधर से आपका स्टॉक का अकाउंट खुलेगा, तो स्टॉक में प्लस 50,000, कैश माइनस स्टॉक में प्लस, और इसी के साथ है कि क्रेडिट भी खरीदा, कितने का क्रेडिट खरीदा, 20,000 का। अब जब क्रेडिट खरीदेंगे तो स्टॉक तो आएगा, स्टॉक में तो प्लस करोगे करोगे, उधर से लाइबिलिटी में आपने किसका अकाउंट खोलना है, क्रेडिटर का अकाउंट खोल देना है, और क्रेडिटर के अंदर आप 20,000 क्या करोगे, ऐड कर देना। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो, यहाँ तो आपका जीरो है ही है, ठीक है। तो इसमें आप इकट्ठा कंबाइन करना चाहते हो, देखो एक तरह से आप परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, तो कैश जा रहा है ना, कितना कैश जा रहा है 50,000, कैश में से 50 माइनस कर दो, क्रेडिट में क्रेडिटर बनते हैं, क्रेडिटर कितने के बनेंगे 20,000 के, और तो दोनों मिला के देखो गुड्स आ ही रहा है, 50 का भी गुड्स आ रहा है, 20 का भी गुड्स आ रहा है, चाहे कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, गुड्स तो आएगा ना, तो गुड्स पूरा कितने का आएगा, 70,000 का आएगा। यहाँ इकट्ठा कंबाइंड 70,000 भी दे सकते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग थोड़े बता दी ना कि कैसे आपने इसको करना है, तो आप इसको कंबाइंड में भी दे सकते हो, कर सकते हो आप इसको, ठीक है।
या 50 माइनस कर दो या 70 स्टॉक में प्लस कर दो, 20 के आप क्रेडिटर बना दो। अब न्यू इक्वेशन 9750 गए, 47,000, 3,000 में वही का वही 70,000, इधर लेंगे 20,000, 1 लाख, तो 120 हो गया। इधर भी आप देखोगे तो 120 आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग क्या थी 40, 40,000 कॉस्टिंग का हमने कितने में सोल्ड किया, 80,000 में सोल्ड किया, फॉर क्या लिखा हुआ है, कैश, कैश में सोल्ड करा। पहले बताओ गुड्स सोल्ड, गुड्स फॉर कैश क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कहो कि कैश आ रहा है और स्टॉक आपका जा रहा है। और तीसरी बात प्रॉफिट भी हुआ, देखो 40,000 कॉस्टिंग थी, सोल्ड कितने में करा 80 में, तो पहली बात 40 का तो प्रॉफिट ही हो गया, 40 आप कैपिटल में क्या करोगे ऐड करोगे, क्लियर हो गया, 40 किस में ऐड करोगे कैपिटल में। अच्छा कॉस्ट क्या थी ये बताओ, कॉस्ट जो होती है स्टॉक को कम करती है, स्टॉक में से 40 माइनस करना, ये कॉस्टिंग है, ये आप स्टॉक में से माइनस कर देना, कितना माइनस कर देना 40, कॉस्टिंग हमेशा स्टॉक में से माइनस करोगे। ठीक है, अब उसके बाद कैश आ रहा है तो कैश आएगा 80,000, तो कैश में आप प्लस करेंगे 80,000, कैश 80 आएगा, कॉस्टिंग 40 स्टॉक में से माइनस करोगे और 40 का प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल में क्या होगा प्लस होगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, जीरो, यहाँ भी बीच में प्लस करके यहाँ भी जीरो डालते हैं। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन पे आगे फिर हम, अभी आपका आ गया 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000। ठीक है, तो इधर हम करेंगे 20,000 प्लस 1,40,000, तो एक बार प्लस करके जरूर देख लेंगे कि आपकी इक्वेशन इक्वल चल रही है ना, अगर मान लो कहीं भी यहाँ दिक्कत आ जाए इक्वेशन इक्वल नहीं, तो यहाँ चेक तो कर सकते हैं, मिस्टेक तो नहीं हो गई, हर इक्वेशन के बाद या दो तो कम से कम दो इक्वेशन करने के बाद चेक जरूर कर लिया करो टोटल हमारा इक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, पहले बताओ सबको, पहले स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस पेड रेंट इन एडवांस, ये पे नया पॉइंट है, प्रीपेड रेंट है ये, साथ में लिखा होगा इन एडवांस, खाली पेड रेंट है तो वो दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये तो कैश में से कम कैपिटल में से लेस, कैश में से लेस हो जाता, एडवांस में पे किया यानी प्रीपेड है, कैश में से लेस और असेट्स में अलग से अकाउंट खुलेगा, प्रीपेड रेंट का वहाँ ओपन कर देना। ठीक है, परचेज गुड्स और कैश 50 कैश किया, 50 का स्टॉक आ गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट स्टॉक 20 का आया, 20 के आपके क्रेडिटर बन गए, 20 के क्या बनेंगे क्रेडिटर, फिर न्यू इक्वेशन, फिर 40 कॉस्टिंग का सोल्ड कितने में करा 80, 40 का तो प्रॉफिट, उसके बाद जो कॉस्टिंग है स्टॉक में से आप माइनस कर देना, और कैश कितना आएगा 80,000 आप कैश में प्लस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब पेड सैलरी इन कैश तो आपने कर रखा है, कैश में से माइनस, उधर से आप कैपिटल में से माइनस करेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, लेकिन इसके साथ इक्वेशन और भी जुड़ी हुई है कि सैलरी हमारी क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गया लेकिन अब तक आपने पेड नहीं किया, मान लीजिए वर्कर ने पूरे मंथ काम कर लिया, अब सैलरी उनकी ड्यू होगी लेकिन अब तक आपने दी नहीं है, यानी लॉस तो हो चुका है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, आपने कुल कितना पे किया 4,500, उसकी एंट्री मैंने बता दी आपको, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो इसका मीनिंग क्या है, लॉस तो हो चुका है, कितना लॉस हो चुका है 1,000, यानी कैपिटल में से तो लेस करोगे करोगे, लॉस हो चुका है लेकिन कैश नहीं गया, कैश क्यों नहीं गया क्योंकि सैलरी हमारी क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने इसको देना है अभी, अभी हमने देना है, तो ये ना एक लाइबिलिटी बन जाती है, जैसे क्रेडिटर है ना क्रेडिटर के साथ बना देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है लाइबिलिटी के अंदर बनाना, जैसे असेट्स में कई हेडिंग होते हैं वैसे लाइबिलिटी में भी हेडिंग होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं 1,000 यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1,000 मेरा आउटस्टैंडिंग के नाम की क्या बन गई लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे क्या डालेंगे जीरो डाल देना। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है इसके नीचे 20,000 के नीचे बाकी, तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो से ध्यान। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, पेड सैलरी इन कैश करो, कैश में से लेस, उधर से कैपिटल में से लेस, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो आपने कैपिटल में से तो लेस करोगे, साथ में लाइबिलिटी में अलग से अकाउंट खोलना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, हम न्यू क्वेश्चन लेंगे तो 1,27,000 में से कितना लेस करेंगे 24, 1,27,000 में से लेस करेंगे 4,500, ये हमारा रह जाएगा 1,225,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000, इधर हमारा आएगा इक्वल टू 1,000 प्लस 20,000
और ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें 5,500 लेस करना पड़ेगा 1,40,000 में से, तो 1,40,000 में से लेस करेंगे 5,500, तो ये हमारा आएगा 1,34,500। हाँ जी, समझ में आ गया पॉइंट वाले सबको। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग हो गया। तो ड्रॉइंग के बारे में बताया था, तो कैश में से माइनस, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो। यहाँ भी कोई चेंज, जीरो। और एक कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कितना माइनस करेंगे? 30,000 माइनस लगा देना, 30,000 कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस कर देना, ठीक है। अब 1,225,000 में से लेस करेंगे 30,000, तो हमारा आएगा 9,250। 9,250 प्लस 3,000, 30,000, 1,000, 20,000, और ये हम लेस करेंगे 1,34,500, है ना, 1,34,500 में से लेस करेंगे 30,000, आएगा 1,04,500। 1,04,500 एक बार ऐड करके देख लें सारा पॉइंट की इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा। 9,25,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000, टोटल आ रहा है 1,25,500। इधर भी आपका 1,25,500 आपका आ रहा है, यानी अब तक यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वैसे जो आपका बुक में ना इक्वेशन यहीं तक दे रखी है, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन मैंने एक से कोई पॉइंट और जोड़ दिए। कई बार आ जाते हैं पेपर में, जैसे इंटरेस्ट एग्जाम में आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जो ओनर कैपिटल लगाता है उसके ऊपर हम कई बार उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है। बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, ध्यान रखना। तो इसको आपने क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है 10,000। और दूसरी तरह से ओनर के लिए प्रॉफिट है, ओनर के लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से कैपिटल पड़ेगी भी सी उसकी, यानी इसकी कैपिटल को बढ़ाना भी है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस। कैपिटल में माइनस इसलिए हो क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस से कैपिटल कम होती है। ऐड इसलिए हो क्योंकि ओनर को मिल रहा है, ओनर के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, और इसमें कोई चेंज नहीं हो, यहाँ पे तो जीरो डाल देंगे, यहाँ भी जीरो डाल देंगे, यहाँ भी जीरो डाल देंगे, यहाँ भी जीरो डाल देंगे, क्योंकि इससे ओनर कैपिटल कम भी होगी और ऐड भी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वही का वही पॉइंट आपका रह जाएगा 9,250, 3,000, 30,000, 1,000, 20,000 और 1,04,500। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसका भी यहीं पे जाना आपने सीधा कैपिटल में। देखो इसमें कोई चेंज नहीं, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ भी जीरो प्लस जीरो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ड्रॉइंग जो की है परसेंट उसके लिए उसने जो निकाला है उस पर फर्म क्या लेगी? ड्रॉइंग लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है, तो इससे फर्म को प्रॉफिट होगा। तो भाई इसमें माइनस करना कि ओनर के लिए लॉस हो गया और फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, यानी कैपिटल में प्लस कैपिटल में ही माइनस। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को याद करना अच्छी तरह से, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपका कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब न्यू इक्वेशन, तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों का इफेक्ट कैपिटल पे जाएगा, कैपिटल में ही प्लस करेंगे, कैपिटल में ही माइनस करेंगे। अब न्यू इक्वेशन लेंगे 9,250, 3,000, 30,000, 1,000, 20,000, 1,04,500। ऐसा सबको समझ में आ गया पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, गुड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, पहले तो अगर गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए फायर से, आग वगैरह लगी है कोई, तो उससे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो आप कहोगे लॉस होगा, लॉस से कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो कैपिटल में से कम करना, माइनस करना 5,000। अच्छा, डिस्ट्रॉय लॉस किसका हुआ है? गुड्स का लॉस किसका हुआ है? गुड्स का। दूसरा, गुड्स में से माइनस करोगे, किस में से माइनस करेंगे? गुड्स में से 5,000 माइनस कर देना। दोबारा, एक तो कैपिटल में से माइनस और एक गुड्स में से माइनस, क्योंकि जो आपका गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या हो गया? फायर हो गया। अच्छा, अगर मान लो कैश वगैरह हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, फिर कैश में से माइनस होता है। पहले देखो ना, जो भी लॉस हो रहे हैं, जैसे मान लो पेड सैलरी है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, लेकिन ये तो गुड्स कम हो गया ना, कि गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो लॉस तो हुआ है, लॉस किसको कम करेगा? कैपिटल को। उधर से आपका गुड्स कम हो जाएगा, क्या कम होगा? गुड्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो जीरो
यहाँ भी क्या लेंगे, जीरो प्लस जीरो। लास्ट इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जो फाइनल नीचे आंसर आएगा, फाइनल इक्वेशन 92500 प्लस 3000 25000 1000 20000 और ये आएगा आपका 599500 9950 टोटल करके देख लेते हैं, 95500 प्लस करेंगे 25000, इधर आता है 12050, इधर देखते हैं एक बार 9950 प्लस करेंगे 20000 प्लस करेंगे 1000, तो ये भी इतना ही आ रहा है 12050। इन एसेट्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इक्वेशन समझ में आ गए सबको, तो इक्वेशन अगर रिवाइज करनी है तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, इसकी जरूरत नहीं है, पता है आपको कैसे करना है। पेड रेंट एडवांस, ये नया पॉइंट है, प्रीपेड रेंट है, एडवांस में दिया, कैश में से माइनस, और असेट्स में अलग से अकाउंट खुलेगा किसका, प्रीपेड रेंट का, ठीक है। परचेज गुड्स और कैश, ये तो पॉइंट कर लिया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये आपको पता है क्रेडिट में स्टॉक आएगा और क्रेडिटर आपके बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 40 का कितने में सोल्ड करा, 80, 80 आपका कैश में प्लस, 40 स्टॉक में से माइनस, और 40 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। सैल पेड सैलरी इन कैश भी आपको पॉइंट आता है कि पेड सैलरी इन कैश का क्या करते हैं, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा, तो उसको आपने क्या करना है, एक तो कैपिटल में से माइनस करोगे और लाइबिलिटी में अलग से अकाउंट खोलना है, किसके नाम का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस का अलग से बना देना लाइबिलिटी में, जैसे क्रेडिटर का, मतलब क्रेडिटर में प्लस करना क्रेडिटर के साथ, जैसे असेट्स के अलग अलग टाइप्स नहीं होते वैसे इसके तो होते हैं ना लाइबिलिटी के भी। नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पता है, पर्सनल यूज के लिए उसने बाइक वगैरह लिया है, कैश में से लेस और कैपिटल में से लेस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, अभी बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सेम रहेगा, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, दोनों रेस्टमेंट अच्छी तरह याद करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाए अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो एक तो गुड्स कम हो रहा है, गुड्स में से माइनस कर देना और एक कैपिटल में से माइनस कर देना, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन करके उसके बाद आप उसको कर देना क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, तो आज पीछे एक्सरसाइज किया आपने, दो क्वेश्चन करने, एक तो आपने सिक्स कर लेना, एक सेवन मैं आपको भेज दूंगा अभी, ठीक है, भेजेंगे तो उसमें आप कर लेना सिक्स और सेवन। अच्छा एक वो कर लेते हैं प्रिंसिपल, आज एक ही करेंगे, नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। तो इसमें सबसे पहले इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि जो बिजनेस ना की जो लाइफ है काफ़ी लॉन्ग है, यानी बिजनेस की जो लाइफ है काफ़ी लॉन्ग होती है, यानी लंबे टाइम तक चलता है, बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो आपको पता ही है कोई भी बिजनेस कोई शुरू करेंगे तो लंबे टाइम तक चलाने के लिए ही करते हैं बिजनेस को, ये नहीं करते कि एक साल के अंदर, हाँ वो अलग बात है कभी कभार स्टार्टिंग में लॉस हो जाए तो बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को शुरू करता है तो लंबे टाइम के लिए शुरू करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज लॉन्ग और बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसलिए जो हम फिक्स असेट्स होते हैं ना उसको हम हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे, ना कि उसको मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करते, किस पे दिखाते हैं, हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं और उस पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम फिक्स सेट्स को ना इकट्ठा एक बंद हम एक्सपेंसिज नहीं मानते, क्योंकि पता है बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा तो फिक्स सेट भी हमारे लंबे टाइम तक ही चलेंगे ना, तो इसलिए उसकी इकट्ठा एक्सपेंसिज नहीं मानते। मान लो जिस साल आपने फिक्स सेट्स खरीदा है तो उस साल ये नहीं करेंगे, मान लो 10 लाख का फिक्स सेट खरीदा तो 10 लाख को हम एक्सपेंसिज मान लेंगे, एकदम अचानक नहीं मान, एकदम इकट्ठा नहीं मानते, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना उसको हम एक्सपेंसिज मानते हैं, यानी इसकी जो कॉस्ट को ना धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगा के पूरा करते हैं, वो हम एक्सपेंसिज मान के हर साल वो हम डालते हैं एक्सपेंसिज, जब तक बिजनेस चलता रहता है ना तब तक उसको डालते रहते हैं, ऐसे क्या लगाकर, डेप्रिसिएशन लगाकर। और मार्केट वैल्यू को इसलिए शो नहीं करते क्योंकि एसेट्स को हमने बेचना नहीं है बल्कि इसको रखना होता है, देखा ना, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड एज दीज असेट्स आर नॉट टू बी गोइंग टू बी सोल्ड नियर फ्यूचर, हमने इसको बेचना नहीं है बल्कि इसको अपने पास रखना होता है। तो ये पॉइंट था पहले, तो पहले क्या ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग, बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये फिक्स सेट्स को जो रिकॉर्ड करते हैं किस पे करते हैं, कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, और उस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और मार्केट वैल्यू को फिक्स सेट्स को क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हम, क्योंकि इस असेट्स को हम फ्यूचर में बेचेंगे नहीं बल्कि रखना होता है, नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर। ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, नॉन करंट असेट्स आपको बताए तो थे कि जिसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉट फॉर रिसेल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस कंसेप्ट के ऊपर करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
और इसी कंसेप्ट के ऊपर ही हम डिफरेंस कर सकते हैं करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या डिफरेंस है, वो हमेशा इस कंसेप्ट के हिसाब से होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए बिजनेस को लोन देना चाहिए। लोन भी फिर 1 साल के अंदर वापस थोड़ी करते हैं, धीरे धीरे वापस करते हैं, कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो भी इसी बेस पे होते हैं। कौन से बेस पे होते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे होते हैं। तो क्लियर होगा मीनिंग? तो कहना है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज लॉन्ग, और इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस रन करता है लॉन्ग पीरियड के लिए। इसलिए फिक्स असेट्स को हम जो रिकॉर्ड करते हैं किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। और इसके ऊपर क्या लगाते हैं? डेप्रिशिएशन लगाते हैं। और मार्केट वैल्यू को किस लिए रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि इसको हमने सेट्स को फ्यूचर में बेचना नहीं होता, बल्कि अपने पास रिटेन करना होता है, रखना होता है, ठीक है। और फिर इसी बेस के ऊपर हम डिफरेंस करते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर, करंट सेट्स और नॉन करंट सेट्स के बीच में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के बीच में, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। इसी बेस के ऊपर बैंक हमें प्रोवाइड करता है लोन बिजनेस को, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यूज़ होता है। कौन सा बेस है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो आज ये कर लेना, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। एक तो ये इक्वेशन वाले 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन के, और एक कंसेप्ट आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, ये कर लेना, ठीक है, बाकी कल करेंगे।